हेलो डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, 10th क्लास की जो एक्सरसाइज हम 6.3 करने वाले हैं, उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी थ्योरम 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 हमने क्या कर ली फ्रेंड, कंप्लीट कर लिए। और आज हमारे पास क्या है, लास्ट थ्योरम है, वह है 6.5। ठीक है, इसको क्या हम एस ए एस के नाम से क्या जानते हैं। एस ए एस का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा क्या फास्टली पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब ने ऐसी सेटिंग दे रखी है आपको, जिससे आप उनकी क्वालिटी क्या कम कर सकते हो और क्या बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो की क्वालिटी अगर कम है तो उसको क्या आप बढ़ा सकते हो, 720 में देख सकते हो, 1080 में देख सकते हो। ठीक है, तो भाई क्या करते हैं, हम थ्योरम डिस्कस करते हैं सबसे पहले 6.5। ठीक है, उससे 6.5 को करने से पहले आपको क्या करना है कि जो 6.1 थ्योरम है, यानी कि थेल्स थ्योरम, उसके बाद क्या है फिर 6.2 थेल्स थ्योरम की क्या अपोजिट है, कौन सी है, 6.2। जो 6.2 है वो क्या है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, यानी कि थेल्स प्रमेय की बिलोंगिंग। ठीक है, उसके बाद जो 3 थ्योरम है वो क्या है, ट्रिपल ए है, यानी कि एंगल एंगल एंगल। अगर दो हमारे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, और उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या है, इक्वल है तीनों, तो वो क्या होगा, हमारे पास सर्वा सिमिलर ट्राइंगल होगा। ठीक है, वो क्या थी, 6.3। उसके बाद क्या था, उसका अपोजिट था, अगर क्या है किसी ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशो क्या हो, इक्वल हो, तो उनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और इस बार जो हमारे पास थ्योरम है वो कौन सी है, वो है क्या, एस ए एस। ठीक है, मतलब क्या है, भुजा कोण भुजा। ठीक स्टूडेंट, क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड, क्या साइड एंगल साइड। ठीक है, आप ये मत देखा करो कि यहाँ पे क्या है इंग्लिश है कि हिंदी में लिखा हुआ है, कि भैया क्या इंग्लिश में लिखा देते हैं मैं। ठीक है, उससे क्या है कि जो हिंदी इंग्लिश दोनों साथ के साथ क्या ट्रांसलेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि जो मैथ हमारा क्या करता है, आगे जाके हमें क्या करना है, इंग्लिश में ही पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, तो थोड़ा सा कोशिश ये करना है कि हम क्या इंग्लिश में ही करें। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में करते हो तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश वाले होगे हिंदी में करोगे तो क्या उस पर नंबर कटते हैं। ठीक है, बाकी क्या करना है आपको कि जो हिंदी वाले हैं उन्हें भी कोशिश यही करनी है कि हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा मैथ क्या करें, इंग्लिश में करें, उससे आगे क्या होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो वही देखते हैं हमें थ्योरम 6.5। इसने कहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है, तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, क्या होती है, समानुपाती होती है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा सा क्या भरा बड़ा है। ठीक है, तो कोशिश ये करा करो कि स्टेटमेंट समझ में आए, तो तभी क्या करते हैं हम इनका क्या डायग्राम बनाएंगे और थ्योरम क्या समझ पाएंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या है, हमने क्या करा, दो ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दो ट्राइंगल हमने क्या करा, एक ट्राइंगल ये बनाया, कौन सा, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल जो हम हर बार बनाते आ रहे हैं, क्या बना लिया, ये थोड़ा बड़ा ट्राइंगल है, डी ई एफ। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण क्या हो दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो आप मान लो कि जो एंगल ए है वो डी के क्या है, बराबर है। ठीक, उसके बाद बराबर हो, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समान अनुपाती होती है। अंतर्गत करने का मतलब क्या है कि जो ये वाली साइड है ना, इस साइड के रेशो की, ठीक है, ये इस साइड कर, ये साइड ए बी और क्या है डी, इन दोनों साइड का जो रेशो होगा वो इनके दोनों के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें क्या क्या रखा है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई हमें क्या गिवन है, सबसे पहले एंगल ए बराबर एंगल बी, ये क्या है हमारे पास गिवन। ठीक है, उसके बाद क्या क्या रखा है कि जो ए बी है कितना है, इसके कोण में डी ई बराबर, ये कितना है ए सी, कितना है डी एफ,
ये में क्या है, गिवन स्टूडेंट ठीक है, क्या कहा है कि दोबारा समझो, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या हो, बराबर हो, मतलब एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या बराबर हो। आप इसे भी बराबर कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, पर करना क्या है, एक ही करना है ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं वो क्या होती है, समानुपाती होती है ठीक है। अब ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन ये साइड ठीक है। जब मैंने एंगल ये लिया, अगर एंगल ये लेते हैं तो फिर ये अब ये साइड अपॉन ये साइड लेते हैं ना, तो बस आप इतना समझो कि ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन ये और ये साइड अपॉन ये हमने क्या लिख दिया है। और प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ दैट, यानी कि सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमें ये करना है दो समानुपाती होती है, इतना तो हमने कर लेना। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट, समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है, सिमिलर। तो ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर होंगे ट्राइंगल किसके, डीईएफ, डीईएफ ठीक है स्टूडेंट। अब हमें ये करना है, तो थोड़ा सा ना क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन, वही पिछले वाली जो थ्योरम है, यानी कि 6.3 और 6.4 में जो हम करते हैं ना सेम वही करना है, और थोड़ा सा लास्ट में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखो हमें करना क्या है, इन्हें सिमिलर प्रूव करने के लिए या तो इनकी साइड का रेशो क्या लिया हो, इक्वल लिया हो, या फिर सारे एंगल क्या दिखा दो, इक्वल दिखा दो, यानी अब हमें बताया कि एक एंगल तो हमें क्या मिल गया, इसके इक्वल मिल गया ठीक। अब एंगल बी बराबर क्या कर दो, एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ ठीक है। तो जैसे पिछली वाली थ्योरम में करा था ना, सेम ऐसे ही है ठीक है। तो समझो थोड़ा सा, तो क्या करते हैं यहाँ पे प्रूफ नहीं, पहले क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ा सा, क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसके बिना नहीं होने का ना। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रचना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं रचना। मान लो एक पॉइंट पी है वो हमने यहाँ पे लिया, और दूसरा पॉइंट क्या है कि वो हमने क्या लिया डीएफ लाइन पे ठीक, और उन दोनों को हमने क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया ठीक है। अरे जो ए बी है ये किसके बराबर हो गया, डीपी के, और जो ए सी है वो किसके बराबर हो गया, डी क्यू के, जैसे थियोरम किसमें 6.3 और 6.4 में हमने किया है ठीक है। अगर आपको थोड़ा ही लग रहा है कि मैं क्या स्लो पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा है ना, तो आप उसकी क्या स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, और क्या अगर आपको लगता है कि तेजी से पढ़ा रहे तो उसे क्या कम भी कर सकते हो। तो यूट्यूब ने बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें दे रखी है। तो भाई कंस्ट्रक्शन में देखो क्या करना है, कि पॉइंट पी लेट है ना, लेट, लेट का मतलब होता है माना है ना, पॉइंट पी, लेट पॉइंट पी ऑनलाइन, इनमें थोड़ा गैप देना है ना, ऑनलाइन वो वाला ऑनलाइन नहीं है, ऑन का मतलब पर है ना लाइन, किस पे ऑनलाइन, कितना पीई एंड नहीं, कितना ये डी एंड पॉइंट क्यू ऑनलाइन डीएफ ठीक है, एंड एंड ज्यादा नहीं लगाते हैं ना, ऐसे ज्वाइन कितना है पी क्यू ठीक है। साथ के साथ में क्या करेंगे कि जो ए बी है, जो डी पी है, वो बराबर है किसके, ए बी के, एंड जो ए सी है किसके, डी क्यू के, तो डी क्यू बराबर कितना ए सी, ये बात हमें लिखनी जरूरी है ठीक है स्टूडेंट। जो हमने क्या कर रखा है, ये भी क्या लेट कर रखा है, यानी कि क्या है कंस्ट्रक्शन से आई है ये बात, रचना से, यानी कि अब उसके बाद क्या करो, बस इन ट्राइंगल है ना, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी। अब देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है भाई हमें, कि एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, कोई बात नहीं ठीक। ए बी बराबर पी डी पी ठीक, और ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी। अभी ये बात कहाँ से है, हमारे पास गिवन से, किससे आए स्टूडेंट गिवन से, तो यहाँ पे लिख दिया करो है ना। अरे दोनों बात हमारे पास कहाँ से आई है, बाय कंस्ट्रक्शन, क्या बाय
कंस्ट्रक्शन मतलब वही किससे आई है बात, रचना से। तो सीधी सी बात है दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे नहीं, सॉरी सिमिलर नहीं क्या, सर्वांश मैंने कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे बाय क्या हो गया, देखो दो साइड क्या होगी हमारे पास इक्वल और एक एंगल इक्वल हो गया है नहीं, तो क्या लिखेंगे बाय एस ए एस साइड एंगल साइड, तो ट्राइंगल ट्राइंगल है नहीं कितना ए बी सी सर्वांशम हो गया ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल डी पी क्यू। ठीक है अब आपको पता है अगर कोई ट्राइंगल क्या हो गया सर्वांगसम हो गया मतलब क्या हो गया सिमिलर हो गया, तो उसके जितने भी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है नी बाय सिपिसिटी से, सिपिसिटी का मतलब क्या है ठीक है, यानी कि जितने भी कॉन्ग्रेंट्स क्या हो गए क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ठीक है, कॉन्ग्रेंट्स क्या है ट्राइंगल, यानी जितने भी कॉन्ग्रेंट्स ट्राइंगल होंगे यानी कि जो सर्वांगसम होंगे ठीक है, जो एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को क्या कर लेंगे पूरा पूरा ढक लेंगे, तो उनके सारे तो एंगल इक्वल होंगे और सारी साइड क्या होगी इक्वल होगी। तो हमें तो अभी जरूरत किसकी है, हमें क्या करना है, हमें मेन करना है अभी किस पे फोकस, एक एंगल इक्वल है ये दो एंगल इक्वल कर दो बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर प्रूव कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा काम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल कितने डी पी क्यू, इसके क्या हो गया सिमिलर हो गया, सिमिलर नहीं सॉरी क्या हो गया कॉन्ग्रेंस हो गया ठीक है। अब कॉन्ग्रेंस हो गया तो इसका मतलब बी किसके बराबर हो गया पी के, यानी एंगल बी किसके बराबर हो गया एंगल बी लिख देंगे आप बाय सी पी सी टी बाय सी पी सी टी ठीक है, तो कितना हो गया बी एंगल बी बराबर एंगल पी और एंगल सी बराबर एंड क्या लिखते हैं यहाँ पे एंड एंगल सी बराबर एंगल सी किसके बराबर हो गया स्टूडेंट एंगल क्यू ठीक है। अब आ जाओ गिवन पे, गिवन हमारे देखो ये है तो हमने क्या कर लिया यूज कर लिया, अब इस पे आ जाओ लिखते हैं यहाँ पे क्या ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ ये बात कहां से हमारे पास गिवन ठीक, क्या ये गिवन। अब ए बी बराबर हमारे पास क्या है डी पी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ना ब्रैकेट में थोड़ा सा ए बी बराबर ए बी है ना, देखो ए बी बराबर कितना है डी पी एंड डी क्यू बराबर ए सी बराबर डी क्यू ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ठीक है, ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे डी पी क्या लिख दिया स्टूडेंट डी पी अरे कौन डी ई का ए सी की जगह कितना डी क्यू और ये कितना हो गया डी एफ। अगर ये बात आ गई देखो डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ ठीक है, अगर मैं क्या करूँ डी पी अपॉन पी ई लिख दू तब भी वही बात है कि डी पी अपॉन क्या डी ई लिख रखा है वो एक इसमें क्या वन जोड़ रखा है ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या लिखेंगे डी क्यू पैरेलल है किसके ई एफ के, किसके ई एफ के लिख देंगे बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी ठीक है, यानी कि थेल्स प्रमेय का क्या विलोम से। अब अगर इतनी बात आ गई तो समझ लो कि क्या हमारी थ्योरम लगभग क्या होगी कंप्लीट होगी। अब देखो कैसे भाई लाइन इसके पैरेलल होगी तो उससे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे ठीक है, तुम क्या आ सकते हैं जब ये लाइन इसकी क्या जब कोई लाइन किसी के क्या होगी पैरेलल होगी तो उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है यानी कि एंगल भी है वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल, क्या लिख देंगे देन सो ऐसे लिखेंगे सो कोरेस्पॉन्डिंग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे ठीक है। अब देखो एंगल पी किसके बराबर
एंगल पी बराबर एंगल ई, और एंगल एफ बराबर, एंगल एफ बराबर एंगल क्यू। अब ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने इसे अगर माना था यहाँ पे, यानी थोड़ा सा ये एंगल बी बराबर एंगल पी, इसे ना आप क्या मान लो, इक्वेशन हमने सिंपल ऐड करी थी क्या, कहीं नहीं करी है ना, तो ये आपने इसे क्या मान लो इक्वेशन वन, और इसे इस इक्वेशन क्या मान लो टू, और इसे इक्वेशन क्या मान लो थ्री, और इसे क्या मान लो इक्वेशन फोर। अब इसलिए माननी पड़ रही है, देखो थोड़ा सा बस, यानी लास्ट की लाइन रह गई है, इसे समझ लीजिए। देखो एंगल पी बराबर किसके एंगल ई के, एंगल पी किसके बराबर है एंगल ई के, और एंगल पी किसके बराबर है एंगल बी के, ठीक। एंगल सी क्यू के बराबर है, एंगल एफ क्यू के बराबर है, अगर एफ क्यू के बराबर है सी क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब सी किसके बराबर हो गया एफ के, ये भी एंगल क्यू, ये भी एंगल क्यू, यानी ये एंगल सी के और ये एंगल एफ के, इतने दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। ऐसे ही एंगल ई है, अरे कितना है एंगल बी, तो पी किसके बराबर है बी के, है नी, और पी किसके बराबर है इसके, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो क्या सकेंगे फ्रॉम इक्वेशन फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, बस थोड़ा सा हम यहाँ पे करते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा फिर फिनिश। देखो अब भाई एंगल पी किसके बराबर है एंगल ई के, एंगल पी किसके बराबर है एंगल बी के, तो एंगल बी बराबर कितना हो गया एंगल ई, ठीक। एंगल एफ एंगल क्यू के बराबर है एंगल सी क्यू के बराबर है, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी सी, तो हम क्या सकते हैं कि एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो आप, अब लिखा है मैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई डी ई एफ। देखो अब एंगल ए बराबर कितना है मेरे पास, एंगल एंगल ए बराबर एंगल डी, ये क्या है हमारे पास गिवन, ठीक। उसके बाद एंगल बी बराबर, एंगल बी बराबर एंगल ई, ये क्या है प्रूव अबव, प्रूव अबव मतलब क्या ऊपर सिद्ध किया हुआ है, क्या क्या हुआ सिद्ध। और एंगल सी बराबर एंगल है एंगल एफ, ये भी क्या है प्रूव अबव, तो लिखेंगे बाय ये ट्रिपल ए क्या सिमिलरिटी, ठीक है, क्या ए ए समरूपता कसौटी से। तो बस क्या करेंगे ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया सिमिलर हो गया, यानी कि समरूप हो गया किसके ट्राइंगल डी एफ, अरे ये क्या हो गया फ्रेंड प्रूफ, ठीक है। तो भाई बस थोड़ा सा क्या यही काम है, ठीक है, फिर हम आपको थोड़ी सी क्या इजी लगी होगी है ना, या लॉन्ग लगी होगी है ना भाई, लॉन्ग तो हम कह सकते हैं। देखो अगर क्या धीरे धीरे से अगर क्या सही ढंग से समझोगे, थोड़ा सा वीडियो क्या होगी लेंथी होगी, ठीक है, और आपको क्या और चैनल से क्या बढ़िया मुझे लग रहा है कि आपको सीखने को मिलेगी। तो एक बार दोबारा समझ लिए क्या है, देखो सबसे पहले क्या है कि दो ट्राइंगल दिए हैं, उन्होंने कहा कि उनका एक एंगल क्या इक्वल है, तो उनके जो इनकी जो साइड है, ठीक है, उसका जो रेशो है, ठीक है, दो साइड का जो रेशो है, यानी कि इसके पोन में ये और इसकी साइड पोन में ये, वो इक्वल है, तो ये दोनों क्या होंगे सिमिलर होंगे, क्या होंगे सिमिलर, ठीक है, यानी कि दो तो साइड मान लो कि दो साइड क्या इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, नहीं तो क्या हो जाएगा भुजा कोण भुजा, यानी कि क्या साइड एंगल साइड, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, मैं इस ट्राइंगल में एक पॉइंट पी मान लिया, क्यू मान लिया, ठीक है, जो इन्हें क्या कर रहा है डी पी बराबर क्या ए बी, ठीक है भाई, क्या हो गया ए बी अपॉन जो ए बी है वो किसी बराबर हो गया डी पी के, ए सी बराबर किसका हो गया डी क्यू के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अच्छा ये तो हमने कर लिया है ना, अब हमें क्या करना है कि भाई दोनों ट्राइंगल लेने हैं कौन कौन से, ये वाला ये, इन दोनों को क्या कर दो कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दो, कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दिया तो ये जो एंगल है किसके बराबर आएगा इसके, और ये एंगल जो किसके बराबर आएगा इसके, कहाँ से बाय सिंपलिसिटी से, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जो गिवन था हमने वो ले लिया भाई, वो ले लिया, यानी फिर उसके बाद क्या था जो ए बी था वो किसके बराबर था भाई डी पी के, तो मैंने यहाँ डी पी रख दिया, जो ए सी था वो किसके बराबर था डी क्यू के, तो यहाँ पे क्या रख दिया डी क्यू, क्या रख दिया डी क्यू। अब सीधी सी बात है इसके पोन में ये पूरी लाइन होगी, इसके पोन में क्या होगी ये पूरी लाइन होगी, तो उसके मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी,
ये पैरेलल होगी तो उनके क्रॉस बॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल हो गए, ये इक्वल है तो फिर ये भी इक्वल होगा, है नहीं। तुमने ये लिख दिया यहाँ पे, इसे इक्वेशन थर्ड मान ली, फोर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है नहीं, तो सारे एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखो पी ई के बराबर है, पी बी के बराबर है, तो बी बराबर कितना होगा ई, सी क्यू के बराबर है, एफ क्यू के बराबर है, तो एफ कितना हो गया सी के बराबर, तो ये लिख दिया है नी। बाकी तो फिर ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए, तो हमने खेल दिया प्रूफ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्या अच्छी लगी होगी, तो भाई जिसको भी क्या स्लो लग रही हो तो स्पीड बढ़ा के देख लेना, है ना। बाकी वीडियो लेंथ ही इसलिए लगी क्योंकि क्या आपको आसानी से समझाया गया है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे पास साथ सक्सेस क्लासेस के साथ, ठीक है। और जो आने वाली वीडियो होगी वो एक्सरसाइज की होगी और वो क्या आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाली है, ठीक है फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।